हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हम बना रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर। तो ये वीडियो जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए वेरी यूज़फुल होगा जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल होगा। और साथ में हमारे जो टॉपिक है जो हम स्टडी करते हैं, नेट, जेआरएफ के लिए और गेट, इनमें जो यूज़ होते हैं हमारे जनरल एप्टीट्यूड के, वो यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। तो ये जनरल एप्टीट्यूड हमारे लिए वेरी यूज़फुल है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से भी मैथ्स के हमारे जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो इसलिए हम जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आज का पहला लेक्चर है यहाँ पर, कौन सा हमारा जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। ओके, टेस्ट ऑफ टॉपिक है हमारे जनरल एप्टीट्यूड का, स्टार्टिंग लेक्चर है ये। और ये जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हम पढ़ते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हर एग्ज़ाम में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टार्टिंग से, अगर आप बेसिक से चाहते हैं कि हम मैथ्स की तैयारी करें, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबल बाई वन, ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो वन से। तो ये देखिए, वन से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा, उसको चेक करना है कि ये किससे डिवाइज होता है, किससे डिविजिबल होता है, हमको ये चेक करना है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिविजिबल बाई वन। तो वन तो एग्ज़ाम में आपको देगा ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वन है, वन एक ऐसा नंबर है जो एवरी नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाई वन का मतलब क्या हो गया, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, 3, 5, ये डिविजिबल होता है वन से। आप इन्हें वन से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। आप कोई भी नंबर लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, तो ये भी एक वन से डिवाइड होता है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई वन। जीरो बोलेंगे तो जीरो भी डिविजिबल होगा वन से। तो यहाँ पर हर नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे तो वो सारे रियल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, किससे, वन से। इसलिए वन के लिए तो कोई खास रूल नहीं है, बस ये जानते हैं कि वन जो है सभी को डिवाइड करता है। सेकेंड, डिविजिबल बाई टू। आपको अगर चेक करना है कि कोई नंबर टू से डिविजिबल कब होता है, तो आप कोई भी नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर के लास्ट डिजिट आप चेक करिए। इफ़ लास्ट डिजिट आपका कैसा हो जाए, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर दिखता है अगर लास्ट में, लास्ट डिजिट समझते हैं, जैसे 286, दिस इज ए लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट जो है, अगर आपका इनमें से कोई भी नंबर दिख जाते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर दिख गया, तो समझ लीजिए वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया डिविजिबल बाई 2 के लिए। तो लास्ट में देखिए, ये आप इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 286 को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 143, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो गया, किससे, 2 से। तो बस 2 के लिए रूल क्या है, तो 2 के लिए रूल हो कि लास्ट डिजिट आपको चेक करने हैं। लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई भी दिख गया, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आ गया, तो वो हमेशा 2 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, तो आपको कोई भी नंबर दिया होगा, उन सभी नंबर को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर वो ऐड करने पे, यानी कि सम ऑफ इट्स, सम ऑफ
इट्स ऑल नंबर ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री इज डिविजिबल डिविजिबल बाय थ्री देन नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री है तो कोई भी नंबर दिया हुआ है आप उनको क्या कर लीजिए उनका सम कर लीजिए जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का सम कर लीजिए अगर वो तीन से डिविजिबल हो गया तो वो हमारा टोटल नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा थ्री से फॉर एग्जाम्पल जैसे 343 ले लिया इसको चेक करना है कि ये तीन से डिविजिबल है या नहीं तो हम क्या करेंगे थ्री सम ऑफ ऑल डिजिट निकालेंगे थ्री प्लस फोर प्लस थ्री इनको ऐड करूंगा कितना आएगा टेन और विच इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री ये तीन से डिवाइड नहीं होता है ओके यानी कि ये नंबर जो है हमारा तीन से डिविजिबल नहीं हुआ तो आप ये नहीं चेक करना कि तीन से चेक करना है तो लास्ट में तीन है तो देख लिया तो वो रूल इसमें नहीं है वो रूल सिर्फ टू है कि लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तभी वो डिविजिबल होगा और थ्री के लिए क्या चेक करना है हमको तो इन सभी का ऐड कर दीजिए इन सभी को ऐड करने पे जो आएगा वो नंबर अगर ये नंबर तीन से डिविजिबल होगा तो ये भी नंबर हमारा तीन से डिविजिबल हो जाएगा अदरवाइज नहीं होगा तो कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जो डिविजिबल हो जाएँ जैसे मैंने ले लिया 729 729 ले लिया तो इसको चेक करना है ये तीन से डिविजिबल है या नहीं तो आपको क्या करना है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन्हीं के नंबर को जोड़ दीजिए आप ऐड कर दीजिए तो 7 प्लस 2 प्लस 9 करते हैं तो आपको कितना आएगा 9 और 16 और ये 18 हो गया ठीक है तो इनका आप ऐड करेंगे ऐड करने के बाद जो बचेगा नंबर तो वो नंबर चेक करिए कि क्या ये तीन से डिविजिबल है यस विच इज डिविजिबल बाई थ्री थ्री से 18 डिवाइड हो जाएगा आप 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 6 18 तो ये जो नंबर है हमारे जो आया ऐड करने पे ये 3 से क्या हो गया डिविजिबल हो गया तो ये जब डिविजिबल हो गया 3 से तो देयरफॉर 729 भी डिविजिबल हो जाएंगे हमारे 3 से क्लियर तो हमें 3 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करना है कोई भी नंबर दिया होगा बड़े से बड़ा लार्ज से लार्ज नंबर दिया होगा आप उन नभी सभी नंबरों को आप ऐड कर दीजिए ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उनको आप क्या कर दीजिए डिविजिबल चेक कर लीजिए कि 3 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर ये नहीं होगा तो टोटल जो हमारा गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल बाई 4 अगर आपको 4 से चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा तो आपको क्या करना है लास्ट टू डिजिट चेक करना है कितने लास्ट टू डिजिट चेक कर लीजिए अगर वो टू डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल हो गया therefore गिवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल देखते हैं जैसे मान लीजिए 9826 8 यहाँ 64 दे देता कुछ भी नंबर ले लीजिए ऐसा कोई नंबर आपको अगर चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं किससे 4 से तो हम क्या करेंगे ओनली लास्ट के टू डिजिट्स को चेक करेंगे कितने के लास्ट के टू डिजिट्स को 64 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा क्या ये पूरा कैंसल आउट हो जा रहा है या डिविजिबल हो रहा है अगर डिविजिबल हो गया तो वो 4 से डिविजिबल होगा और नहीं हुआ तो ये टोटल जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है ये 4 1 4 2 और 2 और 4 24 हो गया देखिए तो ये जो नंबर है हमारा ये डिविजिबल हो गया किससे जो लास्ट के टू डिजिट्स अगर आपके डिविजिबल हो जाए 4 से तो ये पूरा टोटल नंबर जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि 98264 इज डिविजिबल बाई 4 ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमें सिंपली क्या चेक करना है डिविजिबल बाई 4 के लिए तो लास्ट के टू डिजिट्स से चेक करना है ये जो लास्ट का टू डिजिट है उन टू डिजिट्स को आपको चेक करने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं इफ डिविजिबल बाई 4 देन गिवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल 4 और इफ लास्ट टू डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 4 देन गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4 नेक्स्ट आपको क्या चेक करने तो हमको इसमें क्या चेक करना है ओनली लास्ट टू डिजिट चेक करने नेक्स्ट आपको अगर 5th डिविजिबल बाय 5 अगर आपको 5 से चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा तो यहां पर आपको क्या देखने हैं लास्ट
digits, last digits either 0 या 5. तो कोई भी नंबर आपका अगर चेक करना है कि 5 से डिविजिबल कब होगा, तो हम 5 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट में कैसा नंबर हो, 0 होने चाहिए या तो 5 होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 4 लास्ट डिजिट इज नॉट 0 या 5. तो लास्ट में यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, 35 लिख दीजिए, कोई भी नंबर 485 लिख दीजिए, 980 लिख दीजिए. तो ये सारे नंबर जो है हमारे क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे 5 से. तो हमको बस 5 के लिए क्या चेक करना है, ओनली लास्ट डिजिट को चेक करना है. लास्ट डिजिट को चेक कीजिए कि वहाँ पर या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए. अगर वो 5 है या 0 है तो आपका ये जो पूरा टोटल गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से. ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि 5 का जब आप टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में क्या आते हैं, देखिए 5 फिर 10 15 फिर 20 इस तरह से, मतलब 50 50 50 50 चलते रहे. तो कोई भी नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं वही तो डिविजिबल होते हैं. तो यहाँ पर इस लास्ट में क्या आ रहा है, या तो 5 या 0 या 5 या 0. तो इस वजह से हमारे जो 5 के जो हैं वो डिविजिबिलिटी क्या हो जाती है, ओनली लास्ट जो चेक करना है वो क्या होना चाहिए, 0 या तो 5 होना चाहिए. डिविजिबल बाई 6. अगर आपको 6 के चेक करने हैं कि कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, तो आपको क्या करने हैं, वो नंबर को 2 और 3 से, मतलब विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3. यानी कि 6 के जो टेबल हो, देखिए कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से नहीं होते. तो जो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो हमारे 6 से डिविजिबल हो जाएंगे. तो 6 के लिए कोई रूल नहीं है, 6 के लिए बस आपको क्या चेक करना है, 6 का जो आप टेबल निकालेंगे तो क्या मतलब इसको फैक्टर करते हैं, तो 2 और 3 के फॉर्म में फैक्टर किया जा सकता है. तो ये जो 2 और 3 फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, ये जो 2 3 फैक्टर होंगे, इन्हीं फैक्टर को क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से चेक करने हैं और 3 से चेक करने हैं. इट मींस 2 के रूल्स डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, ये दोनों रूल फॉलो करने चाहिए. अगर ये दोनों रूल फॉलो करता है, अगर ये दोनों रूल हमारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? क्या कहा, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, वो 2 से भी होने चाहिए, 3 से भी होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 जो है ये 2 से रूल फॉलो कर रहा है, क्यों, लास्ट में क्या 4 है, तो ये हमारा 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा. और 24 जो है 3 से चेक करना है, 3 से क्या इनका ऐड कर दीजिए सम, तो 4 और प्लस 2 6, 6 जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है. मतलब ये जो 24 है वो 24 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इस वजह से ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे. 6 4 24. ओके, तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर गिवन होगा आपको चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको दोनों रूल सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, 2 के भी और यानी बोथ, ये जो दो है नंबर ये हमारे 2 एंड 3 बोथ, ये दोनों नंबरों से चेक करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से भी हो जाए. तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 16 ले लिया, क्या ले लिया, 16, देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 इसको डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब 16 को 6 से भी डिविजिबल नहीं करेगा. ठीक है, तो इजी है ये 6 से चेक करना. क्या चेक करना है, बस वो 2 के भी रूल सेटिस्फाई करने चाहिए और 3 के भी रूल सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 के भी से भी डिविजिबल हो, देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. 7 के रूल थोड़ा सा देखते हैं. 7 के रूल क्या है, डिविजिबल बाय 7. अगर आपको किससे चेक करने हैं, 7 से चेक करने कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल कब होता है, तो हमको क्या करना है, एकदम इजी है, आपको बस यहाँ पर रिमेनिंग नंबर लिख लीजिए, रिमेनिंग नंबर में माइनस कर दीजिए 2 टाइम लास्ट डिजिट. क्या करने है हमको, 2 टाइम लास्ट डिजिट करना है, किसमें, डिविजिबल बाय 7 में. तो 7 में क्या करना है, अब ये रिमेनिंग नंबर क्या होते हैं,
तो रिमेनिंग नंबर जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 729 दे दिया, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रिमेनिंग नंबर और दिस नंबर इज कॉल्ड लास्ट डिजिट। तो ये जो नंबर है हमको क्या करना है, ये जो लास्ट के नंबर हैं इन लास्ट के नंबर लास्ट डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2, और रिमेनिंग नंबर में सबट्रैक्ट करना है। यानी कि जैसे इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट कितना है 9, इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना जाएगा 18, और 18 को यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भूल जाओ और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करके इनमें सबट्रैक्ट कर दें, और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यू है, मतलब फिर से नहीं आया तो फिर से कर दीजिए। तो इनको सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 4 और ये आपका हो गया 6, 6-1 आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये चेक करना है कि 54-7 से होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर से अगर आपको लगता है लार्ज है तो फिर से वही प्रोसेस कर दीजिए। इसमें लास्ट डिजिट में कितना करना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 और सबट्रैक्ट कर दीजिए। भले माइनस में आ रहा है वो मतलब नहीं है, आप आंसर निकालिए कितना आ रहा है, 3 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 सॉरी 7 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 7। ये जो 3 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 729 भी किससे 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं इजी। कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो डिविजिबल हो जाए, तो एग्जांपल ले लेते हैं 343 ले लिया मैं, सपोज़ किया क्या ले लिया 343, तो हमको क्या करना है, लास्ट के डिजिट का 2 टाइम, तो 3 2 6 यहाँ सबट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 14 में से गया 8 और ये हो गया 2। 28 देखिए, 28 जो है हमारे क्या होते हैं, 7 से डिविजिबल होते हैं, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया करके इसलिए हमारा 343 इज डिविजिबल होगा। अगर आपको लगता है कि ये भी नंबर लार्ज है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं टेबल कर पा रहा हूँ, तो आप क्या कर लीजिए, फिर से इसमें अप्लाई कर दीजिए। फिर से अप्लाई करना मतलब 8 में 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8 2 16 और यहाँ सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको सबट्रैक्ट करना है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा और 14 हो जाएगा, माइनस का 14। तो हमको नेगेटिव से मतलब, ध्यान दीजिए, अगर आपका 14 जो है नंबर अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है तो माइनस 14 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको माइनस से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ नंबर से लेना देना है। तो कितना आएगा, 14 विच इज़ डिविजिबल बाई 7, देयरफॉर 343 इज डिविजिबल बाई 7। ये एक रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये था 7 के लिए रूल। तो ये 7 के लिए जो रूल बताया था, ये 2 टाइम करते चले जाएंगे, तो ये जो है एक इजी नहीं है, ये इजी प्रोसेस नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा वेरी लार्ज नंबर दे दे, मान लीजिए मैं एक लार्ज नंबर ले लेता हूँ, वो लार्ज नंबर फिर उसको कैसे चेक करेंगे कि वो डिविजिबल होगा 7 से या नहीं। तो 7 से डिविजिबल के लिए हमको क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड यूज़ करूँगा। उस दूसरा मेथड को यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करने हैं। तो वो लार्ज नंबर मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए कोई लार्ज नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, एक लार्ज नंबर आपको खुद से चेक करना है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जो कैसे होने चाहिए, जो वेरी लार्ज नंबर होने चाहिए, और उनको चेक करना है आपको 7 से। तो अगर एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं तो वहाँ से इजी नहीं होगा वो प्रोसेस, इसीलिए मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। एक नंबर मिला है मुझे, ये नंबर को मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए ये नंबर है 25872568103, इनको चेक करना है। तो ये है एक क्वेश्चन है, ये देखिए कितनी बड़ी लार्ज वैल्यू। अगर आप ये पूरे रिमेनिंग नंबर, ये रिमेनिंग नंबर आप ये प्रोसेस करते हैं, इसमें 3 में 2 का मल्टी वाला प्रोसेस करेंगे, तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा ये आपको, 3 2 6 यहाँ 6 घटाऊंगा, फिर जो आएगा फिर घटाऊंगा, तो ये जो प्रोसेस हो ना ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम नहीं चेक करेंगे। तो जब लार्ज नंबर हो तो हम ये दूसरा मेथड, आप क्या कर लीजिए 3 3 का जोड़ी बना लीजिए, 3 3 का क्या करना है आपको,
जोड़ी बनाने हैं, ठीक है। ये तीन तीन विभाग, अगर लास्ट में छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तीन तीन के जोड़ी बनाने हैं। जोड़ी बनाने के बाद ये जो लास्ट के जो है ना, ये जो डायरेक्ट नंबर, उनको क्या कर ले जाओ, पहले पीछे से ये वाले नंबर तीन जोड़ी को उठाया, यहाँ बीच में माइनस, फिर ये तीन जोड़ी उठाया 5, 6, 8, फिर प्लस, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये तीन जोड़ी, नेक्स्ट तीन जोड़ी, फिर प्लस करके फिर नेक्स्ट तीन जोड़ी, फिर माइनस करके नेक्स्ट तीन जोड़ी 587, फिर नेक्स्ट जो है जो बच गया वो आप लिख दीजिए, क्या बच गया 2, इनको चेक कर लीजिए। ये इनका जो आंसर आएगा वो अगर डिविजिबल हो गया 7 से, देन आपका नंबर भी डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। तो हमको क्या करना है, अगर वेरी लार्ज नंबर होगा तो लास्ट तीन तीन का पेयर बनाएंगे, लास्ट से तीन तीन उठा के लाइन से लिखते चले जाएंगे और अल्टरनेट लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ तीन रहे या ना रहे, जितने भी नंबर बचते उनको लिख दीजिए। तो इनको आप चेक कर लीजिए, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने आएंगे, माइनस और 5, 6 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। प्लस इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा 5 और 8 में से 2 गया 6 और हो गया 5 और 3, 2 और विथ माइनस में आएंगे ये भी, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, +2। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो इनको सॉल्व करूंगा क्या आएगा, देखिए ये ऐड हो जाएंगे तो 0 carry 1 3 13 carry 1 7 माइनस +2, यहाँ पर कितना आएगा देखिए माइनस और ये हो गया आपका 7, 2, 8। हमको माइनस से लेना देना नहीं है, ये वाले नंबर से लेना देना है, अगर ये नंबर डिविजिबल हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो वाला प्रोसेस अब कर लिए, कौन सा प्रोसेस, जो अभी हमने कहा कि लास्ट के डिजिट से, अब देखो छोटा नंबर हो गया तो आप इसको इजीली वाले मेथड से कर सकते हैं, लास्ट के डिजिट में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 2 16 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ से 12 में से 6 या 6, ये हो गया आपका 6, 6 माइनस 1, 5, 56। अब 56 को चेक कर लिए कि क्या ये डिविजिबल है 7 से या नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये 7 से डिविजिबल है, 7, 8 जा, ठीक है, ये विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 7, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 7, क्लियर। तो अगर लार्ज नंबर होगा 7 से डिविजिबल चेक करना है, तो लास्ट ऐसे तीन तीन जोड़ी बना लीजिए, पेयर बना लीजिए तीन तीन का, और अल्टरनेट पीछे से वहाँ से लिखते चले जाइए, प्लस माइनस प्लस, इनको सॉल्व करिए, जो नंबर आते हैं वो नंबर को चेक करिए, अगर छोटा नंबर है तो आप देख लीजिए 7 से डिविजिबल है तो ये भी हो जाएगा, और यदि आपको लगता है कि अभी भी लार्ज है तो फिर ये वाला प्रोसेस कर लीजिए, लास्ट डिजिट में ये वाला प्रोसेस कर लीजिए, रिमेनिंग नंबर माइनस कर दीजिए 2 times लास्ट डिजिट सॉल्व करेंगे। तो जी तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक लार्ज नंबर के लिए और एक स्मॉल नंबर के लिए, ठीक है, छोटे नंबर हैं तो उनके लिए। तो ये था हमारा 7 का रूल। अगर आपको समझ में नहीं आता है जो भी टॉपिक, आप कमेंट में जाके आप मुझे बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। डिविजिबल बाई 8, अगर आपको 8 से चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो कि नहीं, तो हमको क्या करना है, लास्ट थ्री डिजिट्स ये आपको चेक करना ही पड़ेगा, मतलब वैसे 826982 नंबर है ये, इसको चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं, किससे, 8 से, ये चेक करना है कि ये नंबर जो हमारा डिविजिबल बाई 8 है या नहीं, तो हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट उठाने, कितने, लास्ट के 3 डिजिट, 816 को चेक कर लीजिए, 3 से डिविजिबल होते हैं यानी, तो हो जाते हैं कितने, सॉरी 8 से, है ना, 8 से चेक करना है, तो यहाँ ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो ये गिवन नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 8 1 0 8 2 16, तो ये जो नंबर है डिविजिबल हो गया, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8, दिस इज वेरी इजी, ओके। तो ये 8 के लिए था। 9 के लिए रूल क्या हो गया, डिविजिबल बाई 9, 9 के लिए रूल क्या है, तो हमको क्या करना है, सम ऑफ
जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा था ना, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स बस करने हैं आपको, जैसे 9, 8, 2, 1, 6, तो हमको इसको चेक करना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, जो सभी का सम कर दीजिए, सभी को सम करिए, चेक कर लिए कितना होगा, 10, 10, 20, 20 plus 6, 26, which is not divisible by 9, therefore 982 ये जो नंबर है 98216 ये जो है हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या है, जैसे 3 का रूल था क्या, सभी नंबरों को आप ऐड कर दीजिए, अगर ये 9 से डिविजिबल हो गया तो ये गिवन नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। 10 के लिए क्या रूल है, डिविजिबल बाई 10, तो 10 के लिए लास्ट में बस क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए, लास्ट में सिर्फ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है आपका ओनली 0 होना चाहिए, अगर लास्ट में 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, जैसे 20, 30, 500, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अगर ये सारे नंबर 0 हैं देन नंबर इज डिविजिबल बाई 10, अदरवाइज वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा।